कराची से खबर शामिल करें। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार सारिम बरनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पेश। एफआईए की जानिब से सारिम बरनी को जिस्मानी रिमांड पर देने की इस्तदा की गई है। अदालत ने सारिम बरनी की वकला टीम को पेश होने के लिए 15 मिनट की मोहलत दे दी है। अदालत ने केस की समाप्त कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करेंगे, लियाकत राना हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत राना, आगाह कीजिएगा। देखिए, सारिम बरनी को एफआईए ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की सजा की। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जम पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम है, उन्होंने बच्चों को लावारिस करार देकर स्मगल किया, लिहाजा उनसे तफ्तीश करनी, इसलिए जिस्मानी रिमांड किया जाए। अदालत ने सारिम बरनी से पूछा कि आपके वकील कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे वकील सैयद आसिफ अली कुछ देर में आ जाएंगे, मुझे मोहलत दी जाए। इसके बाद अदालत ने सारिम बरनी के वकला की टीम को आने के लिए 15 मिनट की मोहलत देते हुए समाप्त कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। जी सही, 15 मिनट की मोहलत देते हुए समाप्त कुछ देर के लिए मुलतवी कर गई है। लियाकत रौन, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।